स्टार्ट देश भर में लॉकडाउन के बीच विभिन्न राज्यों में सड़कों पर उमड़ी हजारों लोगों की भीड़ ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। विराम यह भीड़ उन प्रवासी मजदूरों की है जो कामकाज बंद होने से सड़कों पर आ गए हैं और शहरों से पलायन कर घर लौट रहे हैं। यह सिलसिला पिछले हफ्ते शुरू हुआ था जब परिवहन के तमाम साधन बंद होने से प्रवासी मजदूर दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र से अपने गांव, कस्बों के लिए पैदल निकल पड़े थे। इनकी भारी भीड़ को देखते हुए बाद में विभिन्न राज्यों को अपनी रोडवेज बसों की आपात सेवाएं शुरू करनी पड़ी। इन बसों में भारी भीड़ से लॉकडाउन के साथ क्वारंटाइन की भी धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन संकट की इस घड़ी में प्रवासी मजदूरों को उनके ठिकानों तक पहुंचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दिल्ली से सटी उत्तर प्रदेश की सीमा पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ से हालात बिगड़े तो उत्तर प्रदेश सरकार को 1000 बसें सड़कों पर उतारनी पड़ी। दिल्ली सरकार भी हापुड़ तक DTC की 100 बसें चला रही हैं। इसके अलावा सैकड़ों प्राइवेट बसों, ट्रकों और छोटे वाहनों से भी मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। हजारों मजदूर अब भी यहां वहां अटके हुए हैं। इनके लिए राहत कैंप खोलने की तैयारियां हैं ताकि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इन्हें उनके गांव, कस्बे भेजा जाए। जो मजदूर पहले ही गंतव्य तक पहुंच गए हैं उनकी स्वास्थ्य जांच भी जरूरी है। इस तरह की जांच फिलहाल शहरों तक सीमित है। इसका दायरा दूर दराज के गांव, कस्बों तक बढ़ने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ युद्ध में जुटी सरकार के लिए प्रवासी मजदूरों की गुजर बसर के बंदोबस्त करना भी कड़ी चुनौती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे अगले वित्त वर्ष के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF में आवंटित 29,000 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्यों और
केंद्र शासित प्रदेशों के पास SDRF का चालू वित्तीय वर्ष का आवंटन पहले से है, इसलिए प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए उनके पास पर्याप्त धन है। अब राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे न सिर्फ प्राथमिकता के आधार पर प्रवासी मजदूरों तक सहायता पहुंचाने के कदम उठाए, बल्कि यह निगरानी भी रखे कि सहायता असल जरूरतमंदों तक पहुंच रही है या नहीं। संकटकाल में इस सहायता को भ्रष्टाचार के जाल से बचाया जाना चाहिए। आशा की जानी चाहिए कि प्रवासी मजदूरों के मामले में प्रशासनिक तंत्र संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएगा। यह सहायता की भावनाओं को मजबूत करने का समय है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के दौरान कहा, लोग सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाएं, लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग को कम करें। विराम।